दोस्तों जैसा कि आप मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 13x33 और इस मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे पूरा। इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो ये आप देख पा रहे होंगे। एक मेरे सब्सक्राइबर ने उन्होंने बोला था सर मुझे 13x33 का एक प्लान बनाकर दीजिए, तो उन्हीं के कहने पर मैंने डिजाइन किया है। यदि आपका भी कोई डिजाइन है और आप चाहते हैं कि हम उसे डिजाइन करें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आज पूरा मॉडल अब जैसा कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये आपको ऐसा दिखने वाला है। अगर हम बात करें टॉप व्यू तो आपको ऐसा दिखने वाला है। इसमें मैंने ऊपर से बना दिया है, इसका स्टेयर्स को ढक दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको हर हमेशा की तरह इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हो देखिएगा कैसा दिखने वाला है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट कर दें दीवारें, इसकी ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आपको पूरा मॉडल अंदर से बाहर तक का ऐसा दिखने वाला होता है। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा मॉडल। आप पूरा इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बने रहें स्टूडियो में लगातार। और मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आप सारे वीडियो देख पाए। यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारे प्लान आपको दे रखे हैं, 30x45, 14x25, 15x45, 20x50, 15x30, जो भी आपका सूटेबल वो देखकर आप आइडिया ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी घर स्पेसिफिक घर है तो मुझे कमेंट करें, अगर पॉसिबल होगा मैं तो आपका डिजाइन जरूर सिलेक्ट करके बनाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों को मैं डिजाइन नहीं सिलेक्ट कर पाता हूँ, लेकिन मैं जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों मेरा न्यू एक स्मॉल हाउस प्लान नाम का फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको भी आप फॉलो जरूर कर लो। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरा मॉडल। तो आज इस मॉडल की जैसे हम ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले रिमूव करते हैं, और जैसे ट्रांसपेरेंसी रिमूव करेंगे तो आप ओरिजिनल मॉडल फिर से दिखने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो देखिएगा फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखने वाला है। ये आपका मेन डोर है, उसके ऊपर मैंने ये जाली लगा दी है, या आप जाली बोल सकते हैं, इससे हवा आपका आता जाता रहे वेंटिलेशन के लिए। ये एक विंडो है, उसके ऊपर एक जाली है। तो जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे पहले आपको मिल जाता है स्टेयर्स सीढ़ी, यहाँ से आप चढ़ेंगे, थोड़ा सा राउंड है। और इसके बाद आप यहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हैं और अपना आपका गैलरी, और पीछे बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाता है बेडरूम। अगर इस बेडरूम का आप साइज देखना चाहते हैं तो वेबसाइट है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका नाम है smallhouseplan.com। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डायमेंशन सभी बेडरूम की मिल जाती है। तो अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 13 फिट है, लगभग 12.5 फिट होगा। और अगर हम इसकी 9.7 चौड़ाई है और लंबाई 9.7, चौड़ाई है लगभग 12.5, तो एग्जैक्ट डायमेंशन इसका मिल जाएगा आपको। ये किचन है, आपको मैं भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों ये किचन मैंने डिजाइन किया है, और ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर लेटरिंग और बाथरूम आपका कम्बाइंड होगा। आपका जो स्टेयर्स है इसके नीचे लेटरिंग और साइड में आपका बाथरूम बन जाएगा। तो इसका भी अगर आपको साइज जाना है तो आप वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें, यहाँ पर सबकी आपको विथ इमेज और विथ स्पेसिफिक साइज आपको पता चल जाए कितने बाई कितने की गैलरी है सब कुछ। इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये तो पूरा हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, ये आपका किचन हो गया, ये और लेटरिंग बाथरूम आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो 13x33 काफी स्मॉल प्लान होता है दोस्तों, जगह बहुत ही कम होती है। तो ये मैंने गैलरी दे दी है और ये आपका एक बेडरूम है। आप ऊपर स्टेयर से जैसे चलते हैं तो आप पहुंच जाएंगे सेकेंड फ्लोर पर। तो देखिएगा सेकेंड फ्लोर आपको, फर्स्ट फ्लोर दोस्तों ऐसा दिखने वाला है बिल्कुल फ्रंट से। देखिएगा ये मैंने राउंडेड आपको बालकनी दिया है, यहाँ पर राउंडेड दिया है। और अगर हम बात करें तो ये ग्लासेस हैं दोस्तों, ग्लास विंडो है जो थोड़ा स्टाइलिश मैंने लगा दिया है। जैसे आप स्टेयर से ऊपर आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाते हैं, और पीछे वाला बेडरूम सेम टू सेम जैसा कि नीचे बना है, लेकिन यहाँ पर जहाँ किचन और लेटरिन बाथरूम था इसको मैंने हटाकर एक छोटा सा बेडरूम डिजाइन कर दिया है। इसका भी साइज दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पर दिया गया है। ये देखिए साइज इसका अगर हम बात करें यहाँ पर पूरा दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बाई कितने का ये साइज है। तो एक ये रूम, इस रूम के लिए मैंने एक ये मेन डोर दिया, ऊपर जाली दे दी जिससे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए मैंने एक यहाँ से डायरेक्ट विंडो दिया है फ्रंट से, और ये एक गेट दे दिया है। तो ये आप यहाँ पे सोफा डाल सकते हैं, और ये बालकनी के लिए गेट दिया है, बालकनी पर आप आकर टहल सकते हैं। ये तो पूरा डिजाइन हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको लास्ट फ्लोर बता देते हैं दोस्तों। तो लास्ट फ्लोर पे मैंने फिलहाल कुछ ज्यादा डिजाइन नहीं किया है, बस आपका देखिएगा फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। और जैसे आप स्टेयर से जाएंगे तो ये आपका स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने बना दिया, और ये पूरा आपका छत है, और यहाँ पर ये बालकनी है। तो ये पूरा मॉडल आप देख सकते हैं जो कि 13x33 का है, और इसको मैंने डिजाइन किया था। एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था सर 13x33 का मॉडल चाहिए, तो ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसको लाइक जरूर कर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई भी अगर आपको और भी डिजाइन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा,
रेड कलर का बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ वेल आइकन दबा दें जिससे मेरे लगातार आप वीडियो पाते रहें। तो दोस्तों ये डिजाइन आपको कैसा लगा, हमारे मॉडल आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए